नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल पब्लिक कुरान न्यूज। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं ड्रीम इलेवन विनर के बारे में। तो लगातार आप लोगों को पता होगा कि मैं अपने चैनल पे हमेशा से ड्रीम इलेवन विनर का इंटरव्यू लेकर आता हूं, और जिसकी वजह से आप लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिलता है। आप लोग बहुत सारे कॉमेंट भी करते हैं कि सर वास्तव में कोई ड्रीम इलेवन जीतता है या नहीं, सर वास्तव में कोई विनर बना है या नहीं, या सर सारा का सारा वीडियो फेक बनाते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों से सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मैं जो भी कॉन्टेंट बनाता हूँ वो रियल कॉन्टेंट होता है, और सारे के सारे जो विनर्स है वो रियल से। अगर आपको बिलीव ना हो तो हर एक वीडियो में मैंने उनका एड्रेस भी बताया है, नाम भी बताया है, आप जाकर के पता कर सकते हैं, या फिर विनिंग वाले सेक्शन में जाकर के ड्रीम इलेवन का बैकअप अगर चेक करेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसे में आज भी हम एक ड्रीम इलेवन विनर के बारे में बात करने वाले हैं, उनका इंटरव्यू लेके आने वाले हैं। लेकिन अगर आप इंटरव्यू देखना चाहते हैं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके साथ साथ दोस्तों मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि दोस्तों आप लोगों के लिए किसी का इंटरव्यू लेके आना हमारे लिए बहुत ज्यादा कठिनाई का कार्य होता है। आप लोगों का डिमांड होता है कि सर ड्रीम इलेवन विनर का इंटरव्यू लेके आइए, लेकिन ड्रीम इलेवन विनर का पता निकालने में, वहां जाने में आने में बहुत ज्यादा तकलीफें होती है। यहाँ तक कि दो दो दिन तीन तीन दिन बिना खाए पिए हम लोग जाकर के ट्रैवल करते हैं, उसके बाद इंटरव्यू करके आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रैवल करने के बाद विनर से हमारी मुलाकात नहीं हो पाती है और निराश होकर के खाली हाथ लौटना पड़ता है। ऐसे में जब वापस लौटते हैं तो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है, एक्सपेंसेस बढ़ जाती है, उसके बाद रिजल्ट जीरो मिलता है। तो दोस्तों जब तक आपका प्यार नहीं मिलेगा तब तक हम कंटेंट को कैसे लेकर के आएंगे, इसके लिए आपका प्यार मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्त बने रहिए हमारे चैनल के साथ और आप अपना भरपूर प्यार दें ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्टेंट, अच्छे अच्छे विनर्स का इंटरव्यू लेके आ सके और ड्रीम इलेवन से जुड़ी हर जानकारी आप तक साझा कर सके। तो दोस्तों आज हम जिस विनर के बारे में बात करने वाले हैं वो ड्रीम इलेवन के करोड़पति विनर है और मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि वर्ल्ड कप 2022 का आगाज हो चुका है और 22 का आगाज होते ही भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक वार्म अप मैच हुआ था, प्रैक्टिस मैच हुआ था, जिस मैच में सिंगरौली के रामेश्वर सिंह ने अपनी टीम लगाई थी। और टीम लगाने के बाद जब मैच खत्म हुआ उसके बाद जब उन्होंने अपनी टीम को देखी तो उन्हें अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हुआ और वो हक्के बक्के रह गए। उन्हें लगा ही नहीं कि मैं विनर बन गया हूं, हालांकि ये सच था, किस्मत को मंजूर था कि आज रामेश्वर को करोड़पति बना ही देना। दोस्त ड्रीम इलेवन पर रोज करोड़ों लोग अपनी टीम लगाते हैं लेकिन विनर कोई एक ही बनता है। ऐसे में इस मैच के जो विनर थे वो रामेश्वर सिंह थे और आपसे ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे। रामेश्वर सिंह का एक छोटा सा क्लिप वहां से हमारे पास आया है तो आप देर न करें और देखिए इस क्लिप को। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। सर मेरा नाम रामेश्वर सिंह है। सर ऐसे पता चला है कि आप आज ड्रीम इलेवन में कुछ जीते हुए हैं। हाँ सर। कितना अमाउंट है सर? सर उस समय 1 करोड़ वाला 49 वाला टीम लगाया था, उसमें 30% काट के 70 लाख रुपए विन किया सर। आपके अकाउंट में आ चुका है क्या? सर अभी नहीं आया है, फुल सेट पर है। मतलब आया सर। ये प्रयास आप कब से शुरू किए? सर मैं जुलाई से किया था। लगभग कितने कॉन्टेक्ट खेल चुके होंगे? दोस्तों देखा आपने कि जो ये व्यक्ति है रामेश्वर सिंह, ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली के बिंदौल के रहने वाले और बिंदौल के रहने वाले हैं। परिवार का आर्थिक व्यवस्था बहुत ही कमजोर है और अगर हम इनकी बात करें तो ये पेशे से एक शिक्षक है और अभी वर्तमान में अतिथि शिक्षक के रूप में बिंदौल स्कूल में कार्य कर रहे हैं। इनका भी परमानेंट जो जॉब है वो नहीं हुआ है। रामेश्वर सिंह का कहना है कि मैं इन पैसों का उपयोग अपने बिजनेस को डेवलप करने में और अपने परिवार की एजुकेशन व्यवस्था सुधारने में और साथ ही साथ अपने परिवार की अर्थव्यवस्था सुधारने में उपयोग करूंगा। दोस्तों ये इनका टीम था, आप देख लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा।